जब ये गाड़ी पे हमला हुआ तो आप यहीं पे थे क्या? हाँ, मैं इधर ही बैठा था। तो किसने ये हमला किया कुछ बता? वो झंडा लेके आए ना। हाँ। ये लोग इधर उधर जाने नहीं गए, इधर आके इधर से पूरा वो गाड़ी ये गाड़ी सब मार के चला गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह की तस्वीरें और भगवा ब्रिगेड की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है वो शर्मनाक है। चारों तरफ भगवान राम का झंडा लिए कुछ लोग उत्पाद मचा रहे हैं, दाढ़ी और टोपी देखकर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं और चुन चुन कर मुसलमानों के मकानों दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिद के सामने गाली गलौज वाला गाना बजाया जा रहा है, ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जो गुंडागर्दी देखने को मिली वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लखनऊ की सड़कों पर मुसलमानों को खुलेआम गाली दी गई, बिहार के दरभंगा में भी एक कब्रिस्तान में आग लगा दी गई, दिल्ली के जयपुर में तोड़फोड़ की गई और महाराष्ट्र में सड़क पर नंगा नाच किया गया, मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए, भगवान राम के आने की खुशी में जो यात्राएं निकाली जा रही हैं उसमें राम का जिक्र करने के बजाय मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, गद्दार बताया जा रहा है, पाकिस्तान भेजने की बातें हो रही हैं और जिस तरह की गुंडागर्दी और नंगई देखने को मिल रही है उससे एक बात हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि ऐसे हुड़दंगियों से भगवान राम भी खुश नहीं हो रहे होंगे। अभी हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र की है, जहां सड़क पर भगवा ब्रिगेड की गुंडागर्दी साफ दिख रही है कि कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाया गया है। उन दंगाइयों का खौफ इतना था कि लोग अपना ट्रक छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गए। सुनिए कर्नाटक के एक ट्रक चालक ने दंगाइयों को लेकर क्या कुछ कहा है। जब ये गाड़ी पे हमला हुआ तो आप यहीं पे थे क्या? हाँ, मैं इधर ही बैठा था। तो किसने ये हमला किया कुछ बता? वो झंडा लेके आए ना। हाँ। ये लोग इधर उधर जाने नहीं गए, इधर आके इधर से पूरा वो गाड़ी ये गाड़ी सब मार के चला गया। अच्छा, जितनी गाड़ियां थी सबको तोड़ा गया। हाँ, सबको तोड़ा गया। तो ऐसा कुछ क्यों नुकसान कर रहे हैं आप लोगों ने पूछा नहीं? हम लोग भाग गए। अच्छा, आप लोग गाड़ी छोड़ के भी भाग गए? भाग गए हम लोग। और पुलिस वगैरह कोई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे था? बाद में आई है पुलिस। उधर पुलिस लोग उधर आदमी को। ये इस एरिया का नाम क्या है? बाइंदर बोलते हैं, हम लोग को नहीं मालूम पता, हम लोग बाहर वाले हैं। अच्छा, बाहर आप बाहर के ड्राइवर? कर्नाटक का। ठीक। तो सुना आपने कैसे दंगाइयों के हाथ में झंडे थे और वो लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आगे जा रहे थे। उस वीडियो में आपने सड़क पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों को जरूर देखा होगा, जो इस बात का सबूत है कि सड़क पर नंगा नाच किया गया। ऐसे में अब आप ही बताइए कि क्या इन हरकतों से भगवान राम खुश हो जाएंगे? क्या राम की मर्यादाएं ऐसी हो सकती हैं? क्या कोई राम भक्त ऐसा हो सकता है? तो आप सबका जवाब यही होगा कि बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग राम भक्त नहीं बल्कि दंगाई हैं, किसी पार्टी और संगठन विशेष के कार्यकर्ता हैं। अब ये सुन लिया तो ये भी देख लीजिए कि कैसे महाराष्ट्र में एक मुसलमान दुकानदार पर हमला किया जा रहा है और उन दंगाइयों को उसके कपड़ों से आप पहचान सकते हैं। पहले देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही कहा था कि दंगाइयों को उसके कपड़ों से पहचाना जा सकता है और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का आतंक मचाया जा रहा है वो लोग अपने कपड़ों में पहचाने जा सकते हैं कि वो कौन है और किस पार्टी या संगठन से उनका रिश्ता और नाता है। तो भगवा ब्रिगेड की गुंडागर्दी पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।